नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा को और यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हिंदी की सीट पर बात करने का। तो आज का जो हमारा सेशन है वो अव्यय पर आधारित है कि इनके अव्यय क्या होते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो चैनल का समय से पहुँचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा जिससे कि ज़्यादा से लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए जो रहा स्क्रीन पर ये है, लिखा हुआ है वे शब्द जो जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पर प्रभाव पुरुष के बाद और काल, और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आगे लिख गया है, इसको उठा के वहां पर रखना था। और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। अव्यय जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, अव्यय क्या है जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसी वस्तु प्राणी स्थान का नाम है। संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वस्तु स्थान या प्राणी का नाम, स्थान या प्राणी का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं संज्ञा के तीन प्रकार, कुछ कुछ लोग पांच प्रकार बताते हैं, मुख्यतः तीन ही होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक और आपकी जो अंतिम आती है सीमा वो आती है आपकी जो है व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक। तीस और विशेषण क्या है, विशेषण के बारे में जरा बात कर लें, थोड़ा सा रिविजन होता है जो वस्तु की विशेषता को बतलाए, जो प्राणी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बतलाएं उन्हें क्या कहते हैं, विश्लेषण विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या है, जिससे कार्य का होना पाया जाए, जिससे कार्य के होने का भाव पाया जाता है, डूइंग ऑफ एक्शन होता है, वहाँ पर किसे उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ही पूछा गया है कि जिस तुम्हें लिंग वचन पुरुष काल आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे हम अब कहते हैं, पहले का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है संज्ञा क्या है, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है, जरा देखिएगा, वह क्या है, वह एक सर्वनाम है, वह क्या है सर्वनाम है, दौड़ना क्या है क्रिया है। ठीक है, पीछे भाव है, सही है, सब पीछे रह गए, ये जो रह गए वो इसके साथ जो है पीछे को एक पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण अर्थक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा शब्द जो दे रखा है, ये जो ऐसा शब्द दे रखा है, इस ऐसा शब्द में क्या है, तो ऐसा में क्या है, ऐसा आपका क्या है, ऐसा एक आपका अव्यय शब्द है। अव्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई विकार ना आए, वो अव्यय बोले जाते हैं, यानी कि दूसरे का डी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं, तीन क्या कहता है, लिखा हुआ है निम्न में अव्यय कौन सा है, निम्न शब्दों में अव्यय कौन सा है। तो देखिएगा, पहला दे रखा है भारत, एक देश का नाम है, संज्ञा है। श्याम एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है। दक्षिण एक दिशा का नाम है, एक संज्ञा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है सी, यानी कि आ शब्द कैसा है, आ शब्द आपका एक कैसा है, आ शब्द आपका एक अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है। तो देखिएगा, जिन शब्दों में, मैंने पहला ही क्वेश्चन था, जिन शब्दों में क्या पड़ता है लिंग, जिन शब्दों में लिंग वचन, लिंग वचन काल पुरुष, जिन शब्दों पर लिंग वचन काल पुरुष का प्रभाव ना पड़े, का प्रभाव ना पड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम अविकारी या अव्यय बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द वह होते हैं जिन पर किसी जो है संज्ञा लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, तो मूल शब्द इनको हम अव्यय या क्या बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर दे रखा है अव्यय। विशेषण किसी की विशेषता बतलाते हैं, सर्वनाम संज्ञा की जगह इस्तेमाल कहते हैं, और संज्ञा तो किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते ही हैं।
ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी मिस्टेक है, अभिकारी पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा, निम्नलिखित में से अभी कौन सा है वर्तमान कालबोधक है। वर्तमान के बारे में देखिएगा कैसा है, कालबोधक है, नहीं हुआ नया, ये भी कैसा है नया, कैसा है भावबोधक है, भाववाचक संज्ञा है तो ये भी नहीं होगा, सुंदर विशेषण है, ठीक है। अगर इसके बात करें नया भी विशेषण ही होगा एक तरीके से, भाववाचक संज्ञा भी। तथा शब्द कैसा है, तथा शब्द एक अभिकारी शब्द है, यानी कि यहाँ पर अव्य शब्द कौन सा है, पांचवें का जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, यहाँ पर प्रति शब्द रखा है, प्रति शब्द में क्या है देखिएगा, हमने थोड़े समय पहले एक अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था उपसर्ग, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाएं और उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे मान लो आपका प्रति उपसर्ग था वहां पर एक, और मैंने इसके आगे हार जोड़ा था और ये हो गया था प्रतिहार, दिन शब्द होता है इसके आगे प्रति उपसर्ग लगा लिया मैंने, हो गया प्रतिदिन, प्रति दिन इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रति शब्द कैसा है, तो प्रति शब्द के यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, या तो वो उपसर्ग है और या वो कैसा है अव्यय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि उपसर्ग है ये भी सही है, अव्यय है ये भी सही है। अब आप किस पर लगाते हैं, एग्जाम में क्या आता है ये डिपेंड करता है। तो वैसे अगर हम अव्यय के अध्याय को पढ़ रहे हैं, अव्यय के दृष्टिकोण से ये अव्यय है, लेकिन वास्तव में ये उपसर्ग भी है और अव्यय भी है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है, चार शब्द दे रखे हैं, प्राचीन मोटा गरीब और, ठीक है। प्राचीन कैसा है, कालबोधक है, मोटा कैसा है विशेषण है, गरीब के बारे में करें तो क्या है ये भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार की यदि हम बात करते हैं गरीबी अमीरी सब क्या है भाववाचक संज्ञा के प्रकार है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन बचता है और शब्द कैसा है, और शब्द यहाँ पर एक अव्यय शब्द है और यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सातवें का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। देखिएगा वह शब्द दे रखा है, वह क्या है, एक सर्वनाम है, अपना अपनी अपने ये भी कैसे हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, भाई संज्ञा है, गीत संज्ञा है, गाता रहता है ये क्या हो गई, ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक। यानी कि ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। अब एक ही शब्द बच्चा वाक्य में अव्यय पद कौन सा, हमेशा, हमेशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो सही आंसर जाएगा 8 का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, 8 का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, देखिए, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, वह काम नहीं करता, फिर से आया वह क्या हुआ, कमेंट में बताइएगा क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, करना क्या हो गई, क्रिया हो गई, एक ही शब्द बच्चा और वो बच्चा क्या, नहीं, नहीं क्या हो गया, नहीं आपका अव्यय हो गया। यानी कि 9th का जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे तो बी है लेकिन जरा इनको अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ को बता दूँ आपको, तो जरा इसको रफ करिएगा थोड़ा सा इस तरीके से, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा क्रम बदल गया, ए सी बी है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं सही, तो आपका नहीं आंसर सही है जो कि सी विकल्प पे आता है, तो आंसर हुआ आपका 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या कहता है, लिखा हुआ है जिन शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं। वाक्य की यानी कि स्लाइड की शुरुआत में ही हमने कहा जिन शब्दों पर लिंग वचन काल पुरुष इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम अभिकारी कहते हैं, और अभिकारी में जो होते हैं वो भी आपके जो है शब्द आते हैं वो आते हैं अव्य, अभिकारी से मिलकर बने शब्द अव्य कहलाते हैं। अव्य चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्य, संबंध बोधक अव्य, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि क्या कहलाते हैं, अव्य कहलाते हैं। 10th का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, 10th का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्न में अव्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11,
देखिएगा, उत्तर एक दिशा का नाम है, जापान एक देश का नाम है, कृष्णा एक देश का नाम है, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों संज्ञा हो गई, तीनों संज्ञा हो गई। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब किस में आते हैं, अभिकारी शब्दों में आते हैं, सॉरी विकारी शब्दों में आते हैं, तो ये अभिकारी नहीं होगा। तो शब्द हुआ आपका 11th का भी, यानी कि ठीक शब्द कैसा है, अव्यय है, इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है जरा देखिएगा, कौन सा पद विकृत नहीं होता, यानी कि किस पद में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ये बताना है। तो मैं अभी इतनी देर से बार बार कह रहा हूँ कि अभिकारी या अव्यय वो शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो 12th का बी आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, अव्यय शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी विकृति नहीं होती, सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। ठीक है, देखिएगा, मैं कैसा है, मैं के बारे में बात करिए, क्या है, सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो अपने लिए प्रयुक्त किए आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम है, तो मैं सर्वनाम हो गया। ठीक है, वहां होकर आया हूं, होकर आया हूं, यहां पर बताना है कि आपको अव्यय कौन सा है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं होकर की, तो होकर शब्द कोई भी अर्थ नहीं देता, लेकिन यदि मैं इसके साथ पूरा होकर आया हूं, यानी कि ये फिर एक क्रिया बन जाएगा और एक ही सद्वस्ता है, और वो सद्वस्ता है वहां, यानी कि वहां शब्द क्या हुआ, यहां पर अव्यय हुआ, यानी कि 13 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, ए सी बी और डी, थोड़ा सा विकल्पों को ऊपर नीचे किया गया कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर किया गया है, तो सही आंसर आपका जाता है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, 14 क्या कहता है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द वहां पर था नहीं, मैंने कर दिया है, अब बताइएगा कि इस शब्द में कौन सा जो होगा प्रकार होगा, क्रिया विशेषण होगा, अव्यय होगा, सर्वनाम होगा या संज्ञा होगी। वह क्या है, सर्वनाम है, पढ़ता है क्या है, क्रिया, बात भी बहुत करता है, बात के बारे में हम बात करें तो यह कर्म है, और बहुत करता है ये मतलब सहायक क्रिया का रूप है, ये क्या है, सहायक क्रिया है। तो पूछा गया है लेकिन क्या है, तो लेकिन में कोई भी परिवर्तन आने नहीं आने वाला, चाहे वो करता है, चाहे वो करती है, चाहे वो करे या कुछ भी करे, लेकिन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, और इसीलिए कैसा है, यहाँ पर एक अव्यय शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रतिदिन अगर हम बात करते हैं तो प्रतिदिन कैसा है, यानी कि ये काल समय को प्रदर्शित कर रहा है, हर दिन खेलते हो, ना तो ये गुणवाचक है, जो गुण को तो विशेषित, जो गुण को प्रदर्शित करें वो गुणवाचक, जो परिमाण यानी कि मात्रा को प्रदर्शित करते हैं परिमाणवाचक, जो स्थान को प्रदर्शित करते हैं वो स्थानवाचक, लेकिन जो काल यानी कि समय को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कालवाचक कहते हैं। तो तुम प्रतिदिन खेलते हो में प्रतिदिन शब्द दे रखा है, इसमें बताना है तो ये कैसा है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण का जो है एक प्रकार है। 16, मां सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, मां सुबह नाश्ता बनाती है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। ठीक है, सुबह की बात हो रही है, यानी कैसा हुआ, ये समय के बारे में बता रहा है, मां सुबह नाश्ता बनाती है, देखो मां संज्ञा है, नाश्ता कर्म है, बनाती है क्रिया है, अब क्या रह गया, सुबह। अब इसके बारे में पूछा गया है कि मां सुबह नाश्ता बनाती है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, काल के लिए प्रदर्शित करता है। काल क्या है, काल समय को जो बतलाया उन्हें काल कहते हैं। तो सही आंसर यहां पर क्या हुआ, यहां पर सही आंसर हुआ 16 का ए, कि यहां पर जो मां सुबह नाश्ता बनाती है ये कैसा है, ये आपका कालवाचक में आता है। 17 लिखा हुआ है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है।
ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है, वर्षा होने लगी, ये क्रिया का जो विशेषण क्या है, अचानक, क्रिया विशेषण शब्द हुआ अचानक। अब अचानक शब्द कैसा है, रात को अचानक जो है वर्षा होने लगी, परिमाण है क्या, वर्षा को आप माप सकते हैं, नहीं माप सकते, गलत हुआ। क्या स्थान के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही है। काल के बारे में बात हो रही है क्या, समय के बारे में, हाँ रात के समय की बात हो रही है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें भी नहीं है, तो सही आंसर इसमें जो आता है वो आता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। 17 का सी आंसर बिल्कुल सही है, ये कैसा है, कालवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें एक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, बाकी सभी में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, ठीक है। अब क्रिया विशेषण, क्रिया का विशेषण का प्रयोग नहीं कह रहा है कि जहां पर क्रिया का, क्रिया विशेषण का प्रयोग ना हो। पहले में देखिएगा बराबर क्रिया विशेषण का उदाहरण है, लड़का लिखा हुआ है आदमी के बराबर दौड़ा, तो यहां पर बराबर कैसा हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, देखो साथ क्रिया विशेषण आ गया, क्रिया की जो विशेषता बतलाते हैं, क्रिया क्या है पढ़ना, यहां पर क्या है दौड़ना, तो इनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो क्रिया विशेषण हुए। अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, ठीक है, एक आता है तो एक जाता है, ठीक है। तो यहां पर शब्द कैसा है, ये आपका क्रिया विशेषण है, एक आया एक गया। लेकिन सी सेंटेंस देखिएगा, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, इसमें कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है। लंबा कैसा है, लंबा आपका जो है परिमाण के बारे में बता रहा है, क्रिया विशेषण के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है। तानी मतलब सो जाना है, तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही है, 18 का सी आंसर यहां पर बिल्कुल ठीक जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा लिखा हुआ है मैं रोज पढ़ता हूं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूं, रोज यानी क्या हो गया, रोज एक आपके समय के बारे में बतला रहा है ना, यानी कि काल के बारे में बतला रहा है, देखिएगा कालवाचक कहां पर है, ये रहा। 19 का सी आंसर बिल्कुल सही है कि मैं रोज पढ़ता हूं, यहां पर कौन सा भेद है, यहां पर ये कालवाचक क्रिया विशेषण का एक भेद है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पढ़ते हैं, 20 का कहता है, लिखा हुआ है निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है, निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है, यानी जो क्रिया की विशेषता को बतलाए वो कौन सा है। गलत नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, ये सब कैसे हैं, ये सभी आपकी भाववाचक है। धीरे धीरे, धीरे धीरे सब क्या है, ये क्रिया के बारे में, क्रिया की विशेषता को बतलाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि वो क्रिया विशेषण कौन सा है आपका, धीरे धीरे, गलत अच्छा और बुरा, ये सभी या तो भाववाचक संज्ञा है, अगर भाववाचक संज्ञाएं नहीं है तो ये कैसे हैं, तो विशेषण तो है ही है, विशेषण तो ये 100% है ही है। तो सही आंसर क्या हुआ, 20 का सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हुआ। 21 लिखा हुआ है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यह पूछा गया है भैया। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लिख भी देता हूं। नंबर 1 मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण कैसे हैं, जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे कि ठीक है, दूर है, ठीक है, दूर है, फिर है, नहीं है, नहीं, फिर, ये कैसे हैं, ये आपके क्रिया विशेषण हैं।
यानी कि मूल क्रिया विशेषण है। नंबर दो पर जो आते हैं वो आते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक का मतलब होता है कि दो से मिलकर बने हुए हैं, वो आते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे कि अगर आप बात करो, अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द आता प्रतिदिन, ठीक है, घर बाहर ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, सर बाहर दे रखा है। इसके साथ साथ जो है मूल क्रिया विशेषण हो गया, यौगिक क्रिया विशेषण हो गया, तीसरा आता है कारण क्रिया विशेषण, ठीक है, सॉरी इसके तीन ही भेद थे, मिस्टेक हुआ, तीन भेद हुए। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? तीन, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण विशेष कारण क्रिया विशेषण, जो इनके कारण कारण के प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक उदाहरण देखा है, जाओगे नहीं तो सिर पटकोगे, ये जाओगे नहीं तो सिर पटकोगे, ये इसका आंसर है। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के आपके चार प्रकार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, 23 की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, कभी कभी एक क्रिया, क्वेश्चन नंबर 23 है, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, ये किस प्रकार का है ये बताना है आपको। तो देखिएगा, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है या कार्यवाचक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आपको इसे मान लो एक वाक्य में प्रयोग किया, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी अचानक तेज वर्षा होने लगती है, तो यानी कि यहाँ पर कभी कभी कैसा हुआ, कालवाचक, ठीक है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये चार प्रकार बताए गए हैं। स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है आपका परिमाणवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये चार जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद बतलाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी का प्रयोग हुआ है और कभी कभी आपका किसमें आता है, कालवाचक में आता है। कभी कभी का प्रयोग कहाँ पर होता है, कालवाचक के रूप में होता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी था, ये आपके दे रखे हैं। आप चाहें तो परिमाणवाचक में थोड़ा कुछ काफ़ी ठीक है, रीतिवाचक में ऐसे वैसे मानो है, कालवाचक में आजकल कभी कभी है और स्थानवाचक में यहाँ वहाँ इधर उधर इत्यादि हैं, ये दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिया विशेषण का एक भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण का एक भेद, क्रिया विशेषण एक भेद है अव्यय विशेषण का, निपात का या वाच्य का। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते आ रहे थे अव्यय के अंदर क्रिया विशेषण अव्यय को हम देखते आ रहे थे, तो 24 का ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसका भेद है आपका, ये अव्यय का है। अंतिम क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से एक वह वाक्य छाटी है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य छाटा है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखो क्रिया विशेषण, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ठीक है, यहां पर अगर देखिएगा, जान लगाकर पढ़ रहे हो, कैसा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, सीधे सीधे डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, गलत है, वह काली गाय घास चल रही है, भी गलत है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया था, ये भी आपका गलत है। तो तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ये कैसा है आपका, क्रिया विशेषण का है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।